नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुर संगम में। बहुत ही लाजवाब भजन, मेरो छोटो सो परिवार, हरी आ जाओ एक बार। तो दोस्तों, इस भजन को आपको समझ में आई गया होगा। मैं सुरों की अगर बात करता हूँ तो मध्य सप्तक के तीसरे काली मेरा सा है, यहाँ से मेरे को प्ले करना है। इम्पॉर्टेंट चीज़, पहली बात आप ये याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ सात सुरों में हम इसको आसानी से प्ले कर पाएंगे। दूसरी बात कि इसमें हमको ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ दो पैटर्न हमको तैयार करने हैं, ये भजन आपका हो जाएगा। और इस भजन का जो बीट का अंदाज है, पहले बिल्कुल स्लो शुरू होगा, फिर चढ़ाव के बाद में फिर आप इसके रिदम बढ़ाएंगे, तो बड़ा आनंददायी भजन है ये, गाने के हिसाब से, बजाने के हिसाब से, सुनने के हिसाब से। तो आप इसको जरूर तैयार करिएगा। सबसे पहले मैं आपको वो सात सुर गिना देता हूँ कौन कौन से हैं। यहाँ से मैं देखूँ तो सारे, और ये मैं देखूँ गा मा पा, पा मा गा रे सा, तो ये हो गए हमारे पांच सुर पातक। मंदर सप्तक में एक नी है, शुद्ध है, तो सारे के सारे छह सुर तो हो गए हमारे शुद्ध, और गा के साथ गा कोमल का भी यूज है, ठीक है। तो छह सुर तो ये हो गए, एक हमारा ये सातवां सुर, बाकी आसपास के सुर धा है, इनको हम कण के रूप में ले सकते हैं चाहें तो, लेकिन मोटा मोटा आप सीखने के हिसाब से अगर हम देखें तो सिर्फ सात सुरों में हम इसको प्ले कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर सारे गा कोमल, गा शुद्ध का भी यूज है, मा पा, पामा गा रेसा, और मंद्र सप्तक में निशुद्ध। तो देखिए पैटर्न आप दोनों सीख लीजिए, बस भजन आपका हो जाएगा। मैं शुरू करता हूं। हो मेरो छोटो सो परिवार, हरी आ जाओ एक बार। पहला पैटर्न तो देखिए कितना आसान है, आपको समझ में आएगा। हो मेरो सानी सा, हो मेरो छोटो सारेगा सो परिवार, गारे गारे सारे, और फिर हरी छोटो सो परिवार, उसमें मैं गा कोमल का यूज कर रहा हूं पहले राउंड में। अगले राउंड में हरिया सारे मा, सीधा मा पे गया हूं मैं, और फिर मैं गा शुद्ध का यूज करूंगा, गा का यूज करके फिर गा कोमल का यूज करके रेसा, इस प्रकार का पैटर्न। तो देखिए हरिया जाओ एक बार, सारे और सा, सा शुरुआत में हम नीसा करेंगे, ओ नीसा नीसा रे गा रे गा रे सा रे रे, नीसा रे गा रे सा रे रे, सारे मा 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 गा रे गा गा रे सा। जितनी देर आप ठहरेंगे या ब्लिंक करेंगे आपकी मर्जी है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हम देखें तो ये छह सुरों के अंदर काम हो गया, तीन सुर ये और तीन सुर ये, छह, एक सातवां सुर हम जो चढ़ाव है, अगला लाइन आएगा, और उसके बाद में जो चढ़ाव का अंदाज है उसी अंदाज में सारी अंतराएं चलती हैं, तो है ना आसान। चलिए हम देखते हैं चढ़ाव पर। ओ हरी आ जाओ, हरी आ जाओ, बस हरी आ जाओ, हरी आ जाओ, पामा गारे गामा गारे सा सा,
चढ़ाव भी बहुत आसान है, पा मा गा रे गामा गा रे सा सा, इस प्रकार का पैटर्न है। तो बहुत आसान चीज है, आप इसको तैयार करके और जहां कहीं मौका मिले जरूर आप इसको पेश करिएगा। और थोड़ा सा इसमें बुलाने वाली बात है, फीलिंग वाली बात है कि हम बुला रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट करना कि आप भगवान को बुला रहे हैं। देखिए, हो मेरो छोटो सो परिवार, हरि आ जाओ एक बार। ये थोड़ा सा वाइब्रेशन यानी विब्रेटो जैसा लगाने से क्या होता है कि वो फील दिखता है, ठीक है। और फिर हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हो मैं तो दोनों जोड़ूं हाथ, मैं तो दोनों। देखा, जब मैंने सेकंड टाइम में क्या किया, नीसा गा पे गया हूं सीधा मैं, मैं तो दोनों। यहां पर मैंने सेकंड टाइम में, इसका मतलब कि सेकंड टाइम में रे का कण है। ऐसा नहीं कि रे को हम स्किप कर रहे हैं, पहले राउंड में मैंने सिखाया है। तो स्लो में जब बजाएंगे तो रे पूरा दिखता है, लेकिन जब फास्ट बजाएंगे तो रे का कण है। ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं कुछ। हो मैं तो दोनों जोड़ू हाथ, हरि आ जाओ एक बार, मेरो छोटो सो परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ। मैंने पा के बाद धागा भी कर्ण ले लिया, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मैं यहां पर भी रह सकता हूं, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। धाको लगाएंगे तो और मिठास बढ़ जाती है, क्लैरिटी आती है, अच्छा लगता है। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मैं तो दोनों जोड़ू हाथ, हरि आ जाओ एक बार। ये हमारा पूरा भजन हो जाता है, अंतरा जो चढ़ाव है उसी के जैसे चलता है। तो देखिए, मैं अंतरा एक आपको बता देता हूं। तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं। ऐसा कह सकते हैं पहली बार में, जब सेकंड टाइम में जब इसी लाइन को रिपीट करेंगे तो अगले धा को यूज करें, ठीक है। तुम मेरे हो, पामा पामा गारे गामा मगारे सा, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तुम्हारा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तुम्हारा हूँ। अब देखिए, मैंने बताया नहीं है, लेकिन जब मैं रिपीट कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा वेरिएशन दे सकता हूं, ठीक है। तो पहले आप तैयार करें, सेट करें अपने हाथों में, दिमाग में भजन को, लिरिक्स को, धुन को, बटन को, और उसके बाद में आप ये हरकत या कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन। हो मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जरूर तैयार इसको कर लीजिएगा। और कैसा लगा मेरा ये प्रयास कमेंट भी कर दीजिएगा, पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।